स्टार्ट। जो अपना लेफ्ट लेफ्ट डिपोलाइजेशन वेक्टर या स्ट्रोंग होंगे, राइट डिपोलाइजेशन वेक्टर वीक होंगे। अब सबसे पहले बात बहुत के मन में होता होगा कि यहाँ पर कैसे डिपोलराइजेशन हो गया, यहाँ पर तो कोई स्टिमुलेशन कैसे होंगे नहीं होंगे, तो हम चूँ आपको सब कुछ क्लियर कर देते हैं कैसे होगा। सबसे पहले बात क्या है कि भाई इनर मायोकार्डियम सेल्स होते हैं ना, मान के चलिए ये आपका इनर मायोकार्डियम सेल्स है, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, दूसरे कलर से। हाँ, ये आपका मान के चलिए इनर मायोकार्डियम सेल्स हैं, ये आपका क्या है इनर IMC है, ये इनर मायोकार्डियम सेल है। इनर मायोकार्डियम सेल सबसे पहले स्टूमुलेट करेंगे, और स्टूमुलेट करेंगे क्या, स्टूमुलेट करेंगे टू आउटसाइड, मतलब क्या इनर मायोकार्डियम सेल जो है ये जो स्टूमुलेशन होगा, तो मतलब जैसे ही स्टूमुलेट करेंगे तो चार्ज का मूवमेंट अंदर से यहाँ से होगा, अंदर से बाहर होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ क्यों नहीं हुआ भाई, क्योंकि ये मेरे पास पुरकिंजे सेल्स हैं ना, ये जो हमारे जो पुरकिंजे फाइबर सब हैं, पुरकिंजे सेल सब हैं, तो ये सबसे पहले इनर मायोकार्डियम सेल मतलब इसको मतलब स्टूमुलेट करेंगे। स्टूमुलेशन के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टूमुलेशन होगा और डिपोलराइजेशन स्टार्ट कहाँ होगा, इनर साइड टू आउटर साइड होता है, ठीक आउटर साइड होगा। और हम बोले कि लेफ्ट डिपोलराइजेशन वेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल थिक होता है, उसी तरह क्या करते हैं कि ये सब चीज होते हैं, और हम करते हैं लेफ्ट डिपोलराइजेशन वेक्टर जो होगा ये किधर होगा, डाउनवर्ड, आखिर डायरेक्शन डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। एक इसका इसको वेक्टर के नाम से हम इसको नाम देते हैं, डाउनवर्ड है लेफ्टवर्ड, इसी तरह क्या है इसका क्या कम कर सकते हैं, डाउनवर्ड राइटवर्ड है, ठीक डाउनवर्ड राइटवर्ड होंगे कि राइट डिपोलराइजेशन वेक्टर। अब बात यहाँ पर आती है, हम दोनों वेक्टर्स तो बना लिए, लेकिन लेकिन दोनों वेक्टर के कॉमन वेक्टर्स बनेंगे, यहाँ पर एक कॉमन वेक्टर्स बनाएगा। अब आप दिमाग लगाओ कि कॉमन वेक्टर्स हम कहाँ बनाएंगे, तो सबसे बड़ी सोचने की बात है, आपको नहीं लगता कि जिधर भाई जिधर स्ट्रोंग वेक्टर्स बन रहे हैं, अगर दो वेक्टर्स बन रहा है, मान के चलिए ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 15 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, अगर हम कॉमन वेक्टर्स निकालते हैं, कभी ऐसा थोड़े होता है कि कॉमन वेक्टर बी की तरफ चला गया, ऐसा नहीं होता है। अगर हम इसको कॉमन वेक्टर्स बनाएंगे तो कॉमन वेक्टर्स हमेशा एक ही तरफ मूवमेंट करेगा, एक ही तरफ झुका हुआ नज़दीक में, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड ज्यादा हैं। उसी तरह अगर हम कंप्लीट मतलब इसका जो वेक्टर्स होगा डिप मेजर पार्ट ऑफ वेंट्रिकल का होगा, मतलब जिसमें मेजर पार्ट ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स का अगर निकालेंगे, वेंट्रिकल वेक्टर्स मेजर पार्ट दोनों वेंट्रिकल्स का, तो इसका मूवमेंट ऐसे रहेगा, ये मेजर हो गया, इसके अंदर दोनों एड हो गए, इसके अंदर ये भी एड हो गए, ये भी। दूसरी बात है, बहुत ये सोचते हैं कि इधर क्यों नहीं बना, इधर इसलिए नहीं बना क्यों भाई, ये तो वीक है, ये वीक की तरफ थोड़ी मूव करेगा, ये तो हमेशा स्ट्रोंग की तरफ मूवमेंट करेगा, तो ये तो स्ट्रोंग की तरफ रहते हैं। तो मेरे पास तीन वेक्टर बन गए, एक एट्रियल डिपोलराइजेशन, एक ए वी नोड वाले बन गए, दूसरी हो गया सेप्टल डिपोलराइजेशन, और एक क्या होगा मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर बन गया। अब लेकिन एक बात यू भी तो है, अब अपने अंदर बेसल डिपोलराइजेशन वेक्टर्स बनेंगे, बेसल वेक्टर्स मतलब ये जो वेंट्रिकल्स है इसका ये बेसल पार्ट है ना, ये बेसल पार्ट के अंदर भी तो बहुत मायोकार्डियम सेल्स होंगे, बेसल के पार्ट के अंदर जो बहुत मायोकार्डियम सेल होंगे उसके अंदर भी यही वेंट होगा। मान के चलो कि ये वेंट ये हो गया बेसल, बेसल ये लेफ्ट वाला बेसल, ये हो गया राइट वाला बेसल, ये क्या होगा, ये हो गया डिपोलराइजेशन वेक्टर ऑफ बेसल पार्ट ऑफ वेंट्रिकल, और डिपोलराइजेशन वेक्टर ऑफ बेसल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल्स होंगे, ठीक। अब आपको इतना वेंट्रिकल्स आ गए, अब हम आपको ना अब हमको सारा एक डायग्राम में दिखाते हैं कि वेंट्रिकल्स कैसे बन रहे हैं, आपको सारा हम कम्प्लीटली ईमान के लिए, ये अपना मायोकार्डियम सेल्स हैं, ठीक हार्ट बना रहे हैं, अपना हार्ट है, ठीक हार्ट के अंदर एसपी नोड है, एसपी नोड है, एवी नोड है, यहाँ जा रहे हैं, ठीक। इसके अंदर सबसे पहला हमारा वेक्टर बना, सबसे पहला वेक्टर बना हमारा एट्रियल डिपोलराइजेशन वेक्टर, कौन सा वेक्टर बना, ये बना एट्रियल डिपोलराइजेशन वेक्टर, एट्रियल डिपोलराइजेशन हम वेक्टर का चिन्ह ही देते हैं, एट्रियल डिपोलराइजेशन वेक्टर, ये हमेशा स्लो होंगे,
दूसरा क्या होता है इसका, डाउनवर्ड एंड, लेफ्ट वार्ड होगा। ठीक ठीक हो गया। और यहाँ पे ए वी नोड है, ए वी नोड वेक्टर से बनेंगे। ये हमारा ए वी नोड है, ये हमारा ए वी नोड है, इसको अच्छे से समझ लेना। ए वी नोड है, ए वी नोड क्या होता है, ए वी नोड टीनी स्ट्रक्चर है, ए वी नोड टीनी स्ट्रक्चर है। ए वी नोड अगर टीनी स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल वेक्टर बनेंगे, वेरी स्मॉल वेक्टर बनेगा। और ईसीजी मशीन, ईसीजी मशीन डज नॉट पिक दिस एक्टिविटी, डज नॉट पिक दिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक, ईसीजी मशीन नहीं पिक करेगा। और दूसरा आपको वेक्टर भी बता दिए हैं, एक वेक्टर ये बनेगा, ये कौन सा वेक्टर याद कीजिए, कॉमन कॉमन डिपोलराइजेशन वेक्टर, ये क्या है, कॉमन कॉमन वेंट्रिकुलर, कॉमन वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर, कॉमन डिपोलराइजेशन वेक्टर ये बनेंगे, कॉमन डिपोलराइजेशन वेक्टर्स बनेंगे। और इसमें तो आपको याद है कि ये वाला पोर्शन होगा क्या, राइट 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 वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर, नहीं लेफ्ट डिपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर वेक्टर, ये राइट डिपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर वेक्टर, ये अपना क्या होगा, ये हो गया सेप्टल, ये क्या होगा अपना, ये हो गया सेप्टल डिपोलराइजेशन वेक्टर। इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, सेप्टल डिपोलराइजेशन वेक्टर, सेप्टल डिपोलराइजेशन वेक्टर, ये अपना क्या हो गया, सेप्टल डिपोलराइजेशन वेक्टर। और दूसरी तीसरी बात यहाँ पर नॉर्मल से क्या हो गया, क्या बेसल पार्ट, मतलब क्या हो गया, ये अपना क्या हो गया, बेसल वेंट्रिकुलर, बेसल डिपोलराइज, बेसल डिपोलराइजेशन वेक्टर, डिपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर, बेसल डिपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर वेक्टर। अब इसमें क्या, यहाँ पे एक्टिविटी स्लो होगी हमेशा, इसमें भी एक्टिविटी फास्ट होगी, वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ हर चीज़ में फास्ट होगी, लेकिन जो अपना जो बेसल पार्ट है, बेसल पार्ट में भी क्या होगा, अपना बेसल पार्ट जो है अपना जिसमें है, उसका भी डिपोलराइजेशन वेक्टर, ये भी क्या होंगे, स्मॉल वेक्टर्स बन रहे हैं, ये भी स्लो होंगे। और बेसल वेक्टर भी, तो बेसल वेक्टर है जो अपना, ये बेसल वेक्टर है, इसका फास्ट होंगे, ये सब का आपको फास्ट बनेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात आपको इसमें देखना है, टीनी स्ट्रक्चर्स हैं, तो हम इसको कॉमन सम, इस चीज़ को हम जो पूरा समराइज कर देते हैं, मतलब आपको अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है इतना सब चीज़ में, ये जो हुआ आपको अगर ये सब चीज़ कुछ भी समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये सब कैसे हो रहे हैं, ये सब क्या वेक्टर्स बन रहे हैं, तो आपको हम सिर्फ 5 पॉइंट बता रहा हूँ, 5 पॉइंट समराइज कर रहा हूँ, ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको वो याद रख लेनी है, आपको सारा काम हो जाएंगे। सबसे पहले क्या होते हैं, फर्स्ट, देखिए इसमें 5 एलिमेंट्स बनेंगे। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, ये होता है एट्रियल डिपोलराइजेशन, जो ये पहला पोर्शन, हम इसको नंबर दे देते हैं आपको, एट्रियल डिपोलराइजेशन, फर्स्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन होता है, ये स्मॉल वेक्टर होता है, स्मॉल वेक्टर होता है, और क्या होता है, मूवमेंट स्लो मूवमेंट करेगा, ये स्लो मूवमेंट होंगे। देखिए सेकेंड एलिमेंट, मतलब वही चीज़ है सब कुछ, सेकेंड एलिमेंट क्या है, ए वी नोड, हम सेकेंड वेक्टर को ए वी नोड साइलेंस भी बोलते हैं, ए वी नोड साइलेंस इसीलिए है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है लेकिन वो नहीं सो कर, इसलिए साइलेंस है। थर्ड एलिमेंट के अंदर बात करते हैं सेप्टल डिपोलराइजेशन, इसके अंदर बात करते हैं सेप्टल डिपोलराइजेशन, सेप्टल डिपोलराइजेशन भी स्मॉल वेक्टर है, इसका अपवर्ड एंड राइटवर्ड मूवमेंट है, अपवर्ड एंड राइटवर्ड मूवमेंट है। फोर्थ एलिमेंट की बात करते हैं मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर,
मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर, ये क्या होता है, ये लार्ज वेक्टर है, लार्ज वेक्टर है, इसका मूवमेंट क्या होता है, डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, और ये फास्ट है, और लास्ट है अपना फिफ्थ, फिफ्थ में बेसल डिपोलराइजेशन वेक्टर, बेसल डिपोलराइजेशन वेक्टर, ये क्या है, स्मॉल वेक्टर है, ये फास्ट है, यहाँ पर बेसल वेक्टर ये स्लो नहीं होंगे, नहीं ये फास्ट होंगे, ये बेसल वेक्टर इसीलिए फास्ट होंगे क्योंकि इसके अंदर भी तो भाई पुरकिंजे फाइबर से स्पेशल कनेक्टिव सिस्टम आ गया ना, स्पेशल कंडक्टिंग सिस्टम, इसलिए बेसल डिपोलराइजेशन वेक्टर। इसका आप चारों पॉइंट पर देखें, एक पॉइंट ये हो गया सेकेंड डिपोलराइजेशन, थर्ड है सेप्टल डिपोलराइजेशन, फोर्थ है मेजर वेंट्रिकुलर, फिफ्थ है ये, इतना सारा पोर्शन है। और आपको ये सब चीज सबसे इम्पोर्टेंट है डिपोलराइजेशन, एटीएल डिपोलराइजेशन। सबसे पहले आप याद रखना है कि जब डिपोलराइजेशन पांच लेवल, पहला हो गया अपना एटीएल डिपोलराइजेशन वेक्टर्स, वो मूवमेंट ऐसे करेंगे, सेकेंड हुआ कि सेप्टल डिपोलराइजेशन, वो मूवमेंट ऐसे करेंगे, मतलब ये एरो है तो सेप्टल डिपोलराइजेशन वेक्टर ऐसे बनेंगे, यहाँ पे ये एरो है, ये केप है एरो में। दूसरा है एवी नोड में साइनेंस हो जाएंगे, थर्ड वेक्टर्स बनेंगे सेप्टल डिपोलराइजेशन वेक्टर ऐसे बनेंगे, ये एरो है। और चौथा जो बनेगा अपना मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर ऐसे बनेंगे, ये एरो इधर है। पांचवा जो सेप्टल डिपोलराइजेशन वेक्टर ऐसे होंगे, मतलब सारे वेंट्रिकुलर इवेंट्स को, ये जो सारा वेंट्रिकुलर इवेंट्स आया, सारे वेंट्रिकुलर इवेंट्स को मेरा ईसीजी मशीन डिटेक्ट करेगा कि कहाँ से डिपोलराइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब आप यही समझ लो ना, जब आप ईसीजी मशीन में जाओगे, जब आप चेस्ट लीड लगाओगे, जब आप किसी कोई पेशेंट आता है आपको, हम क्या करते हैं चेस्ट लीड लगाते हैं, बाइपोलर से जुड़ी यूज करते हैं, ये बाइपोलर लीड चेस्ट लीड होते कुछ नहीं है, ये बाइपोलर लीड और चेस्ट लीड से वेक्टर्स को एनालिसिस करते हैं, यार एट्रियल वेंट्रिकुलर वेक्टर्स ऐसे बन रहे हैं, इसके अंदर मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर्स ऐसे बन रहे हैं, तो ये सब चीज़ का हम प्रोजेक्शन लेते हैं, उसको मशीन डिटेक्ट करता है, हमारा ईसीजी तैयार होता है। तो अगर आपको लीड्स को अच्छे से समझ में आनी है, लीड्स में बहुत सारे रूल्स होते हैं, ट्रायंगल्स बनते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं, अगर हमको लीड्स को समझना है कि लीड्स को, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको लीड्स को समझने के लिए सबसे पहले वेक्टर्स को समझना इम्पोर्टेंट है, कि हर सेल के अंदर वेक्टर्स कैसे बन रहे हैं, उस वही वेक्टर्स डिसाइड करेगा लीड्स के अंदर, ईसीजी मशीन के अंदर वही वेक्टर्स का यूज हुआ है। कभी क्या होता है कि कभी कभी सोचते हैं यार, जैसे चेस्ट लीड लगाना होता है, चेस्ट लीड में आपको छः पॉइंट्स होते हैं, बाइपोलर लीड लगाते हैं, पैर में लीड्स लगाते हैं, तो वो सब चीज़ आगे हम डिस्कस करेंगे। मतलब हम सब कुछ हार्ट के बारे में जितना भी सब कुछ हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे आपको, अभी मतलब नेक्स्ट में सब कुछ बताया जाएगा। अभी आप इतना समझ लो कि मेरे लिए वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेक्टर्स का आगे यूज भी है, तो बस आज का यही है।